आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और आज बहुत अच्छा मौसम है, तो बस मैं अभी नहा के बस रूम में आई हूँ और मौसम बहुत अच्छा है आज। ये देखिए मौसम इतना अच्छा है कि मेरा आज क्यों ना मैं आज एक ब्लॉग शूट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज बरसात में कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के यहाँ बारिश लगातार हो रही है, नहीं हो रही, कैसा मौसम है, क्या है। तो ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है और अभी बस थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर रुकी है। क्या कर रहे हो ये, आओ। तो इब्राहिम भी नहा लिए हैं, नाके ने पजामा पहना दिया है, बस टॉप शर्ट पहनना बाकी रह गया इनका। आओ जल्दी आओ बेटा, तो ये खेल रहे हैं। आओ बेटा अंदर आओ, ये चूना खोद रहे हो, क्या कर रहे हो, अंदर आओ, अंदर आओ जल्दी। तो यहाँ पे माहिरा भी नहा के तैयार होके बिल्कुल बैठी हैं, रेडी होके। मायरू अच्छा ऊपर आके दिखाओ, अपनी आके दिखाओ, कहाँ चोट लगी थी। माहिरा की आँख पे लग गई है चोट, इसीलिए मारा थोड़ी सी नाराज है, मम्मा से नाराज है थोड़ी सी। मारा नाराज हो हमसे, आराम से खेला करो बेटा, भागती हो जो चोट लग जाती है आपकी। अरान भाई आ रहा होगा अभी। तो बस यहाँ पे ब्लॉग शूट हो रहा है और इसमें नहा धो चुकी हूँ और बारिश होकर रुक गई है और मौसम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। हम लोगों ने खाने में आज खाया है छोले पूरी, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी छोले पूरी की भी। अगर आपको छोले पूरी की जैसे कि बिल्कुल होटल पे मिलते हैं वैसी अगर आपको रेसिपी देखनी है उसकी पूरी, तो फुल रेसिपी मेरी उज़मा किचन्स वाले चैनल पर मैंने अपलोड की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छे बने थे। सबसे पहले मैंने धोए सारे कपड़े, कपड़े काफ़ी गंदे हो गए थे, करीब 3 बाल्टी कपड़े थे। मैं भी आप लोग कपड़े दिखाती हूँ मैंने कितने कपड़े धोए हैं, अभी बहुत कपड़े धोए। बेटा क्या सोना है, आ सुना दे, महारा को नींद आ रही है, बाहर फेंक दो, अंदर आओ बेटा। फिर नहीं, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, छज्जे बने, छज्जे भर रही है, काट लेगी, चलो। तो ये देखिए कितने कपड़े फैले हैं सब, और ये सब हल्के हल्के गीले कपड़े थे, तो मैंने सोचा अब अगर बाहर पड़े रहेंगे, अगर बारिश हो गई तो सारे कपड़े भीग जाते हैं। और ये फरहरे हैं, मतलब हल्के से गीले हैं, और अभी जो मैंने कपड़े धोए वो ये हैं। अभी मैंने सारे इतने सारे कपड़े धोए, तो ये देखिए बस ये इतने सारे कपड़े धो के अब मैं फ्री हुई हूँ, नहा धो चुकी हूँ और मैंने महारा को भी सुला दिया है, सोने के लिए बहुत परेशान थी। और अभी भी बारिश का मौसम है, बादल है, हो सकती है बारिश अभी भी। और काम सब हो गया है, शाम का खाना रह गया है बनना, शाम में देखो क्या बनता है। छोले छोले रखे हैं और जो भी बनेगा बना लेंगे। यहाँ इब्राहिम खेल रहे हैं और
और यहाँ पे तो यहाँ पे मायरा भी सो गई हैं और मैंने यहाँ पे लाइट ऑफ कर दी। यहाँ पे इब्राहिम खेल रहे हैं, अंदर आओ, चलो आओ अंदर। बस मैं बैठ गई हूँ बिल्कुल फ्री होके, खाना वाना और नहाना धोना सब हो गया। मायरा सो गई, इब्राहिम खेल रहे हैं और आज मुहर्रम की 1 तारीख है और मुहर्रम का आज पहला दिन है। तो बस 1 तारीख है मुहर्रम की और हमारे यहाँ पे मुहर्रम की 9 तारीख को हलीम यानी कि खिचड़ा बनता है और तक कोई ऐसी खास चीज़ नहीं बनती है, खिचड़ा वगैरह बनता है मुहर्रम की 9 तारीख को, तो वो भी हम बनाएंगे तो आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर करेंगे। और अगर ऑलरेडी रेसिपी मेरी उजला किचन चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आपको देखना है तो आप लोग वहाँ पर जाके उस पर देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि एक व्यूवर्स है जिन्होंने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन अगले दिन वीडियो डालती है, तो आप एक दिन छोड़ के डालती है, रोज़ वीडियो क्यों नहीं डालती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है और अभी नया चैनल है, ऊपर से काफ़ी मेहनत हो जाती है, बच्चे भी थोड़े छोटे हैं, दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, फिर अपलोड करने में थोड़ा सा एडिट भी करना पड़ता है। बस अगर आप लोग मेरे सपोर्ट करेंगे चैनल को, मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ और अल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो रोज़ डालूँगी। बस आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे, बस यहाँ पे मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। बस ग्रो होते ही मेरी रोज़ एक वीडियो आएगी और जितनी होगी बढ़िया से बढ़िया मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो बस आप लोग मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। तो बस यहाँ पे बैठे हैं और मुझे बस आप लोगों से यही बात करनी थी। और आज संडे का दिन है तो मायरा की छुट्टी थी, मायरा पूरा दिन घर पे ही थी तो थोड़ा मुझे भी आराम मिल गया। अभी काफ़ी थोड़ा 10-11 बजे तक उठी थी देर से, मेरी कई दिन से नींद नहीं पूरी हो पा रही थी, इस चक्के चलते मेरी तबीयत भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो आज मेरी नींद काफ़ी पूरी हो गई, मैं अच्छे से सो रही हूँ और बस अभी बिल्कुल फ्री हूँ। शाम में जो बनेगा बनाएंगे और बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ, मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रहिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।